नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज से शुरू हो रहे परिसीमन आयोग के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के परिसीमन निर्धारण से पहले आयोग की अध्यक्षता रंजन देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य के चुनाव आयुक्त के शर्मा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन में शामिल छोटी पार्टियां भी आयोग की बैठकों में शामिल होंगी। एनसीपीडीपी समेत पीएजीडी में शामिल पार्टियां अड़ी हुई थी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और अगस्त 2019 में हटाए गए आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने तक परिसीमन प्रक्रिया से दूर रहे, पर अब उनका रुख बदल गया है। ये बदलाव कश्मीर नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से 24 जून को मुलाकात के बाद आया है। मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में साफ किया था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा फिर चुनाव, यानी विधानसभा चुनाव कब होंगे ये परिसीमन की रिपोर्ट के बाद ही तय किया जाएगा। अब सभी पार्टियां इस प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं, तो लगता है कि आयोग मार्च 2022 तक अपनी रिपोर्ट बना लेगा और उसके बाद चुनावों की तारीख तय की जा सकेगी। परिसीमन यानी सीमा का निर्धारण। संविधान के आर्टिकल 82 में साफ कहा गया है कि हर 10 साल में जनगणना के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बना सकती है। ये आयोग ही आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटें बढ़ा और घटा सकता है। आयोग का एक और महत्वपूर्ण काम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को ध्यान में रखकर उनके लिए सीटें रिजर्व करना। केंद्र ही परिसीमन आयोग बनाता है। पहली बार परिसीमन आयोग 1952 में बना था, उसके बाद 1963, 1973, 2002 और 2020 में भी आयोग बने थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ। इसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा प्रस्तावित है, इस वजह से नए केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन जरूरी हो गया था। सरकार ने 5 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में परिसीमन आयोग बनाया। देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा इस परिसीमन आयोग के सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के तहत जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों का भी ध्यान रखना होगा। राज्य में 7 सीटें बढ़ने वाली है। इस समय राज्य में 107 सीटें हैं, जिनमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, 4 सीटें लद्दाख में थी, जिसके अलग होने से जम्मू कश्मीर में इफेक्टिव स्टेट 83 सीटें हो जाएंगी। पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत नए जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी, यानी पहले से 7 अधिक। पीओके की 24 सीटें मिला दे तो सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी। 2 साल पहले के जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में 37 सीटें थी और कश्मीर में 46 सीटें थी। भाजपा समेत कुछ राजनीतिक पार्टियां जम्मू और कश्मीर घाटी में सीटों का अंतर आसमान होने की दलील देती रही हैं। अगर बढ़ी हुई 7 सीटें जम्मू क्षेत्र में आती हैं, तो इसका लाभ भाजपा को हो सकता है। इसलिए विरोधी पार्टियां ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगी। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय सभी पार्टियों को बुलावा भेजा है। बताया जा रहा है कि आयोग 20 जिलों की सिविल सोसाइटी, सरकारी अधिकारियों, डीडीसी, बीडीसी और शहरी स्थानीय निकायों से भी बात करने वाला है। राजनीतिक पार्टियों ने परिसीमन की टीम के इस दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा करार दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर घाटी में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही विधानसभा के चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू की जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।